बीते मार्च महीने में कोरोना का संक्रमण फैलते ही केंद्र तथा राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी और एसटी बसों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन अनलॉक में राज्य सरकार ने धीरे धीरे एसटी महामंडल की सभी सेवाओं को शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ठाणे जिले के विट्ठलवाड़ी बस डिपो से कोकण, रत्नागिरी, विदर्भ तथा घाट माता की ओर जाने वाली एसटी बसों को नियमित रूप से शुरू किया गया है। विट्ठलवाड़ी से शेगांव, मलकापुर, डेबेवाड़ी, वाशिम, बुल्ढाणा, गुहागर, भगवानगढ़, इस्लामपुर एवं दापोली आदि राज्य के विविध शहरों के लिए एसटी बस गाड़ियां बहाल की गई है। इसी घटनाक्रम में आज 25 नवंबर की रात 9:15 बजे विट्ठलवाड़ी से गुहागर के लिए बस रवाना होगी। लॉकडाउन के चलते विट्ठलवाड़ी से जो बस सेवाएं बंद थी उन्हें नियमित रूप से शुरू किया गया है। ऐसी जानकारी कोकण प्रवासी संगठन के अध्यक्ष पत्रकार मुरलीधर शिर्के और विट्ठलवाड़ी बस डिपो की व्यवस्थापिका मानसी शेलके ने दी है। एसटी प्रशासनाने ज्या कोरोनाच्या काळात ज्या बसेस बंद केलेल्या होत्या त्या आता पूर्ववत केल्या असून विठ्ठलवाडी आगारातून मलकापूर, बुलढाणा, इस्लामपूर, रत्नागिरी, गुहागर, देवेवाडी या बसेस पूर्ववत करण्यात आल्या असून प्रवाशांनी त्याचा लाभ घ्यावा। सरकारने एसटी महामंडळाला बस सेवा सुरू करण्यास परवानगी दिल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील विठ्ठलवाडी आगारातून कोकण, विदर्भ व घाटमाता मार्गावरील सकाळी 4:45 वाजता शेगाव मलकापूर मार्गे, सकाळी 5:45 वाजता ढेबेवाडी, सकाळी 5:15 वाजता वाशिम, सकाळी 5:15 वाजता बुलढाणा, सकाळी 7 वाजता गुहागर, सकाळी 8:30 वाजता भगवानगड, सकाळी 9 वाजता इस्लामपूर, सकाळी 10 वाजता विटा, संध्याकाळी 19 वाजता ढेबेवाडी, रात्री 21 वाजता रत्नागिरी व रात्री 21 वाजता इस्लामपूर, तसेच दिनांक 25 पासून गुहागर मार्गावर रात्री 9:15 वाजता ज्यादा बस सुरू करण्यात आलेली आहे आणि प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळतात। पुन्हा विठ्ठलवाडी ते रत्नागिरी ही गाडी रात्रीनी ज्यादा बसेस सोडण्यात येणार आहे। एसटी महामंडळाकडे कोकण प्रवासी संघटनेतर्फे ज्या गाड्या मागितल्या होत्या त्याची पूर्तता एसटी महामंडळाने केल्यामुळे एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ, कनिष्ठ सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांचं आम्ही मनस्पूर्वक अभिनंदन करून धन्यवाद देत आहोत। प्रवाशांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा आणि तिकीट आरक्षण करूनच प्रवास करावा अशी नम्र विनंती कोकण प्रवासी संघटनेतर्फे करण्यात येते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।